अस्सलाम वालेकुम माय डियर शुडान, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा आप सब लोग? टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, लेसन नंबर 7, वेलो द फिशरमैन, व्हाट्स इट। बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज हम लोग देखेंगे उसके हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज फिशरमैन, वेलो, नेट्स, रिटर्न्स, स्टॉर्म, एम्प्टी, स्वाम, सोर, कॉफ्ट, फिश। ये जो है बेटा हमारे हार्ड वर्ड्स है, इसको आपको 5-5 टाइम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज वेलो इज अ डैश। तो वेलो क्या था बेटा? फिशरमैन, मिल्कमैन, क्लोबर, तो वो तो फिशरमैन था। तो आंसर इज वेलो इज अ फिशरमैन। सेकेंड इज वेलो हैज अ स्मॉल डैश। के वेलो के पास क्या था बेटा? विसल, सीप या बोट, तो उसके पास स्मॉल बोट थी। तो आंसर इज वेलो हैज अ स्मॉल बोट। थर्ड इज व्हेन वेलो कम्स होम हिज वाइफ गिव्स हिम डैश। जो वो घर वापस आता था उसकी वाइफ उसको क्या देती थी? लंच, स्नैक और डिनर। क्या देती थी बेटा? डिनर देती थी ना। तो आंसर इज व्हेन वेलो कम्स होम हिज वाइफ गिव्स हिम डिनर। Fourth is one day there came a big storm. तो एक दिन क्या आता है बेटा? बड़ा सा तूफान आता है, right? तो आंसर is one day there came a big storm. Fifth is वेलो swam to the shore without any fish. के वो क्या लौटता है घर तूफान से लौटता है, तब क्या होता है? उसके हाथ में एक भी फिश नहीं होती है, बोट होती है, फूड या फिश क्या चला जाता है उसका, उसकी सारी फीस है वो चली जाती है। ओके बेटा, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको 1 टाइम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और हाँ जब भी देखो हमारा वीडियो पूरा देखो, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे साथ अपडेट रहोगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।